आपातकाल में आपका जमीन मर चुका है राशिद मियां, आपातकाल में लोगों को पैसे की जरूरत है, आपके ज्ञान की नहीं। तुम लोगों के पैसे पे ऐसे ऐश कर रहे हो और हम लोग कोरोना के बचाव के टिप्स दे रहे हो। मियां बचाव टिप्स नहीं, पैसा वापस कर दो। हो सकता है कि भगवान तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों की भोजन कर रहे सजा होते हैं और कम बीच कर में कोई दे। रुकावट हो जाती है, या आपकी पसंद की पूड़ी या सब्जी आपको नहीं मिली, रोटी नहीं मिली और थोड़ा सा वक्त लग जाता, तो आपके खाने की इच्छा खत्म हो जाती, मर जाती है। दरअसल ये होता क्या है कि आपके दिमाग ने मैसेज देना शुरू कर दिया होता है कि बस अब खाना बंद हो चुका है, तो इच्छा खत्म हो जाती है। 20 मिनट का जो सबसे पीक समय होता है हमारा, जो हमारा बॉडी हमारा दिमाग ये मानता है कि हमें खाना मिल रहा है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम सेकंड में, तो ये करीब करीब 1200 सेकंड का समय होता है। तो खाना खाने का जो हमारा ड्यूरेशन है वो 1200 सेकंड का होना चाहिए, आइडियल होता है। यानी 1200 सेकंड हमारे पास होते हैं खाने को हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा देने के लिए, उस खाने को समाप्त कर देने के लिए। अब इस 1200 सेकंड को अगर एक अच्छी सेहत आपको पाना है, इसे डिवाइड करना है आपके हर एक बाइट पर, हर एक बाइट यानी कोई भी एक बाइट आप लेते हैं, इसे कम से कम आपको 40 बार चबाना है, यानी 40 टाइम इसको आप चबा करके आप इसको अपने मुंह के अंदर, कहा जाता है खाने का जो डाइजेशन होता है वो मैक्सिमम आपके मुंह में डाइजेस्ट हो जाता है, यानी आप खाने को बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट कर दीजिए। बहुत से लोग हमारे खाना खाते हैं, उन्होंने निवाले को मुंह में डाला और उसका सीधा उसको पेट में उतार लिया, बाद में उनको प्रॉब्लम होती है, मोटापे की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, शुगर प्रॉब्लम होती है, बहुत ऐसे प्रॉब्लम होती है। अगर आप खाने को 40 बार अपने मुंह के अंदर ही चबा कर उसको बिल्कुल लिक्विड कर देते हैं, तो आपके डाइजेशन को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आप जब 40 बार खाने को चबाएंगे तो हर एक बाइट में, हर एक चबाने की प्रक्रिया में करीब करीब 1.5 सेकंड आपका खर्च होता है। तो जब आप इसको 40 बार आप जा करके चबाने की प्रक्रिया करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका समय है जो खर्च हो रहा है, मैं इसको 1.5 से 2 सेकंड मान के चलता हूं, और 40 बार अगर आप इसे करते हैं तो करीब करीब एक बार, एक जो बाइट आपके मुंह में बिल्कुल खत्म होकर के आपके पेट तक जाए, इसके अंदर करीब करीब जा करके जो लगता है वो लगता है 80 सेकंड, यानी 80 सेकंड में आपका एक बाइट खत्म होता है। तो अब जब इस 80 सेकंड को आप बेहतर तरीके से, या हम इसको 1.5 सेकंड की बात कर लेते हैं, 2 सेकंड बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1.5 सेकंड बात कर लेते हैं, तो ये करीब करीब जा करके बनता है 60 सेकंड, यानी आपका 1 मिनट लग जाता है आपके इस खाने को खत्म करने में। अब इस 60 सेकंड में आपका एक बाइट हो रहा है, तो आप अगर इसको 1200 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास कुल बाइट का नंबर कितना बच रहा है करके, वो बच रहा 20, यानी आपको 20 निवाले ही खाने हैं। अब होगा क्या कि आप जब भोजन शुरू करेंगे तो 1200 सेकंड आपके पास मौजूद है, आपका दिमाग और आपका डाइजेशन के बीच में जो आपस में बातचीत हो रही है कि 1200 सेकंड में ही इनको खाना मिलना है, इस 1200 सेकंड को खाना मिलना है, इस 1200 सेकंड को जब आप हर बाइट को 60 सेकंड में बांट देंगे तो ये करीब करीब जा करके आपका 20 बाइट बनता है। यानी माय डियर, जब आप 20 बाइट में खाना खत्म करेंगे अपना, तो आपकी सेहत और आपका भोजन ये दो के दोनों आपको मतलब अच्छे लगेंगे, आपका भोजन भी आपको टेस्ट देगा, आपके शरीर में लगेगा भी, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। लेकिन इससे क्या होगा, सबसे बड़ी चीज कि जो हम अपने खाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो अगर हम इसको 40 बार नहीं चबाते हैं और इसे 20 बार चबाते हैं, तो हम डबल खुराक खा रहे होते हैं। यानी अगर हम 40 बार चबाने गए, इसको 10 बार चबाते हैं, तो हम 4 गुना खुराक खा जाते हैं एक समय में, और अगर इसे हम 20 बार चबाते हैं तो हम डबल खुराक खा जाते हैं। जो हमारी बॉडी की नीड है हम उसे डबल खुराक दे दे रहे होते हैं। एंड माय डियर, आपका दिमाग जब ये मैसेज देना बंद कर देता है कि बस अब आपने खाना खा लिया, अब आपको इसके आगे खाना नहीं खाना है, तो उसके ऊपर जो खाते हैं उसी को ओवर ईटिंग कहा जाता है कि भाई आपने पेट तो भर गया लेकिन दिल नहीं भरा आपका, इसे ओवर ईटिंग कहा जाता है। और ये ओवर ईटिंग इस समय घातक है समाज के लिए। समाज किस लिए घातक है माय डियर, कि अगर आपकी भूख 2 रोटी से खत्म हो सकती है और आप 4 रोटी खा रहे हैं, तो आपके परिवार में अगर 5 लोगों की संख्या है तो 10 रोटी ज्यादा खाई जा रही है, और इस 10 रोटी को बचा करके हम चाहें तो अपने आसपास के उन गरीबों को दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं जिन्हें वाकई में इस समय अन्न की आवश्यकता है। यानी अगर हम सभी भारतवासी जिनके पास ये क्षमता है
कि वो अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं लेकिन अपने किसी गरीब साथी की मदद नहीं कर सकते हैं, वो इस तरीके से अपने गरीब साथियों की मदद कर सकते हैं। और जब ऐसा करना शुरू कर देंगे तो ये जो अनावश्यक भीड़ लगती है सरकारी मददों के पास में, लोग पांच पांच छह छह घंटे लाइन में लगते हैं, उसके बाद भी 100-200 लोगों के लिए राशन आता है, खाना आता है, और 300-400 की भीड़ होती है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाता है, एक भुखमरी की वो आशंका बढ़ती चली जा रही है, वो खत्म हो जाएगी। माय डियर, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये पहले करता चला आ रहा था, खाने को लेकर के जो मेरी हैबिट थी मैं इसी तरह से चलाता था, और मैंने कई लोगों को अपनी कई ट्रेनिंग में इसको सीख में भी दिया है, लेकिन आज से मैं अपने सभी जानने वालों से अपील करने जा रहा हूं कि अगर आप 40 बाइट लेते हैं, यानी अगर आप खाने को 1200 सेकंड के अंदर खत्म करते हैं और पर बाइट आपकी है वो 40 बार अगर होती खत्म होती है, और इसको 20 बाइट में यानी 20 निवाले में आप अपने पेट को भर लेते हैं, तो आप समाज की मदद करने जा रहे हैं। जो बच रहा है उसे जरूरी नहीं कि आप बहुत दूर तक जाइए और किसी बांटने के लिए, अपने आस पास अपने अरीब करीब में अगर आप देखें कोई जरूरतमंद परिवार है तो धर्म से परे, जाति से परे, रंग भेद से परे, रिश्ते नाते से परे, दोस्ती दुश्मनी से परे उसकी मदद परे, दोस्ती दुश्मनी से परे उसकी मदद कीजिए। इससे हम शायद हो सकता है कि छोटी छोटी इस मदद से एक बहुत बड़ी मदद अपने देश अपने समाज की कर सकते हैं इस समय, और इससे हम भीड़ लगना बंद करा सकते हैं। जो लोग राशन पानी के आश्रय में भागते हैं जाते हैं और जाने के बाद उनको पुलिस वालों से डंडे खाने पड़ते हैं, छिपे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका बयान कर पाना मेरे लिए बड़ा कष्टदायी और बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, ऐसी चीजों से बचा जा सकता है। माय डियर फैमिली मेंबर्स, माय डियर भारत देशवासियों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम हो सकता है कि हर व्यक्ति पैसे से सबकी मदद ना कर पाए, लेकिन अगर आप चार रोटी खा रहे हैं तो इस चार रोटी की जगह आपका शरीर अगर दो रोटी से चल जाता है तो आप करके देखिए, यही आपकी खुराक है, यही आपको चाहिए। मैं आपसे नहीं कहना चाहता हूं कि अपना पेट काट कर किसी को दीजिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अगर एक सिस्टम से खाना खाएंगे तो आप देखिए आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपको अच्छी नींद भी आएगी, कई रोगों से दूर हो जाएंगे आप, और साथ ही साथ आप मदद कर पाएंगे। अगर आप अनावश्यक वजह से चार रोटी पांच रोटी खा जा रहे हैं तो आप जरा इस सिस्टम को अप्लाई करिए, आप अपने हर एक निवाले को 40 बार उसे चबाइए और चबा करके उसको खाइए, आप देखिएगा कि 20 मिनट पूरा होते ही होते आपका बॉडी आपका माइंड आपको मैसेज देगा ओवर, खाना हो चुका, खत्म हो चुका है। और खाना खाने से भी करीब तकरीबन 20-25 मिनट पहले आप पानी पेट भर करके पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, आपको फायदा भी करेगा, और हो सके उसके अंदर आप लहसुन अदरक या ऐसी चीज डालकर पी लीजिए, आपको फायदा ही करेगा, और वो अंदर जा करके आपकी जो भूख है उस भूख को शांत भी करेगा और उसके बाद आपकी खुराक को भी लिमिट में करेगा। मैं नहीं कहता कम खाइए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप अपनी भूख से कम खाना खाइए, लेकिन आप ये करके तो देखिए, आपको बहुत ही राहत मिलेगी, आपका पेट भी भरेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और आपका अड़ोसी पड़ोसी आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति जो इस समय खाने की तलाश में सरकारी मदद के पीछे भाग रहा है आप उसकी मदद कर सकेंगे। और सिर्फ उसकी नहीं, हम सरकार की मदद कर सकेंगे। अगर हमारी सरकार हमें अलग अलग संस्थानों अलग जगहों से 100-200-300 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम कर रही है तो वहां पर अगर 500 की भीड़ जमा हो जा रही है तो उसको हम इस तरह से रोक सकते हैं। जब हम इस तरह से रोकेंगे तो हम अपनी भी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि जब तक हम ऐसी भीड़ को जमा होने से नहीं रोकेंगे, जब तक हम इन चीजों का परहेज नहीं करेंगे जो सरकार ने हमारे लिए नियम बनाए हैं, तब तक आप ये मान के चलिए कि हम इस त्रासदी से नहीं निकल पाएंगे। और इस त्रासदी में सिर्फ देश और दुनिया ही नहीं, हम भी हैं, हमारा परिवार भी है, हर कोई जो भी अपने घर में आज बंद है वो इस त्रासदी का शिकार है। अगर किसी को लगता है कि उसके घर में उसको अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, तो माय डियर ये आपका ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया और आपका अड़ोसी पड़ोसी आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति जो इस समय खाने की तलाश में सरकारी मदद के पीछे भाग रहा है आप उसकी मदद कर सकेंगे। और सिर्फ उसकी नहीं, हम सरकार की मदद कर सकेंगे। अगर हमारी सरकार हमें अलग अलग संस्थानों अलग जगहों से 100-200-300 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम कर रही है तो वहां पर अगर 500 की भीड़ जमा हो जा रही है तो उसको हम इस तरह से रोक सकते हैं। जब हम इस तरह से रोकेंगे तो हम अपनी भी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि जब तक हम ऐसी भीड़ को जमा होने से नहीं रोकेंगे, जब तक हम इन चीजों का परहेज नहीं करेंगे जो सरकार ने हमारे लिए नियम बनाए हैं, तब तक आप ये मान के चलिए कि हम इस त्रासदी से नहीं निकल पाएंगे। और इस त्रासदी में सिर्फ देश और दुनिया ही नहीं, हम भी हैं, हमारा परिवार भी है, हर कोई जो भी अपने घर में आज बंद है वो इस त्रासदी का शिकार है। अगर किसी को लगता है कि उसके घर में उसको अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, तो माय डियर ये आपका ही नहीं
बल्कि ये पूरी दुनिया की समस्या बनी पड़ी हुई है। अगर हम अच्छा भोजन खा करके, टीवी देख करके सोने से बेहतर अगर हम थोड़ा सा योगदान कर देते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने साथियों को, अपने जानने वालों को, दूर दराज के लोग, अगर उनकी भूख को कर देते हैं, तो आप देखिएगा आपको तब भी बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत सुकून की नींद आएगी। मैं ये करने जा रहा हूं, मैं अपने सभी जानने वालों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके एक बार देश के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, इंसानियत के लिए इसे करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और हमारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भी अगर ये मैसेज चला गया तो हम एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। धन्यवाद माय डियर। मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अगर आप देखें, आपको अच्छे लगे, तो जरूर इसे आगे फॉरवर्ड करें, जिससे कम से कम हम कुछ मदद कर पाए ना कर पाए, लेकिन जिन्हें जान रहे हैं उन तक ये वीडियो जाए। तो इस नियम पर आकर ख्याल रखता है कि अपने साथ के लोगों